नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। भोपाल, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग को खुद संज्ञान लेना चाहिए। हम भी इन सब की जानकारी चुनाव आयोग को देंगे, क्योंकि समाचार पत्रों में आ रहे हैं, वीडियो में आ रहा है, जो रोज ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, इस पर भी चुनाव आयोग को रोक लगाना चाहिए। भोपाल के मंत्रालय पर भी चुनाव आयोग आचार संहिता लगाए, क्योंकि यहां से पूरे मध्य प्रदेश में ट्रांसफर हो रहे हैं। वहीं उन्होंने भाजपा को बताया किसान विरोधी। जो एनडीए का घटक था, अकाली दल और शिवसेना, सब बाहर हो गए। यह सब बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि भाजपा किसान विरोधी है। किसान अपने खेत के अंदर बंधुआ बन जाएगा। अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए यह किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर यह किसानों को खरीद रहे हैं। भाजपा बार बार झूठ बोल रही है। फसल बीमा का पैसा भी कमलनाथ जी के समय जमा हुआ था। इसमें इस प्रकार का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इस सरकार के पास पैसा ही नहीं है। हर महीने 1,000 करोड़ का लोन ले रहे हैं और भ्रष्टाचार करके उस पैसे को निपटा देंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस ने 2018 में वचन पत्र दिया था, उसी वचन पत्र को अब कमलनाथ जी ने कहा है कि जो वचन पत्र में कहा गया था उसको पूरा करने का अब संकल्प लेना है। किसानों की बची हुई कर्ज माफी पूरी करना है, बिजली का बिल हो या युवाओं को रोजगार का मामला हो। और ये राशि बढ़वाएंगे। सवाल ये है कि किसान को आज जरूरत है, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी। वो 2 रुपये 4 रुपये के जो दिए है, और ये बार बार एक झूठ और बोलते हैं। ये फसल बीमा का पैसा भी कमलनाथ जी की सरकार में जमा हुआ था, जो दिया गया है। इसमें इस सरकार का कोई रोल नहीं है। इस सरकार के पास पैसे नाम की चीज़ है नहीं। हर महीने 1,000 करोड़ का लोन लेते हैं और कहाँ भ्रष्टाचार में निपटा देते हैं, पता ही नहीं लगता। देखिए, बसों का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, फीस का, चाहे दशहरा मनाने का मामला हो, ये कोई फैसले ले ही नहीं पा रहे हैं और पूरी तरह सरकार फेल हो गई। आज मध्य प्रदेश में, आज की तारीख में कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। 15 दिनों के अंदर 7 गैंगरेप हुए हैं। ये मध्य प्रदेश रेप स्टेट बन चुका है। यहाँ कल अशोका गार्डन में, कल ही पिपरिया में और केसेस आए। कल हम लोगों ने धरने दिए थे पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के निर्देश पे। इस मामले में हाथरस से लेके मध्य प्रदेश के इन उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये का नारा केवल देते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन आज सबसे बुरी हालत बेटियों की मध्य प्रदेश में है, न वो पढ़ पा रही। कल मेरे पास एक फ़ोन आया किसी अननोन आदमी का कि ट्रेन से बिना जा रही थी महिला, उसका पता लग नहीं था। डेली इस तरह के मामले हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं। वहाँ स्टेशन पे अभी एक महिला जो भीख मांगने वाली है, उसका मर्डर, रेप करके मर्डर हो गया। उसके अलावा ये 4 बच्चियाँ 3 दिन से गायब है, उसका अभी तक कोई पता नहीं भोपाल से। कुल मिलाकर ये कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पुलिस से और प्रशासन से कोई डर नहीं रहा है, और इसलिए ये सब चीज़ें हो रही। गुंडे बदमाशों को बीजेपी सरकार का संरक्षण है, इनके नेताओं का संरक्षण है, इसलिए खुलेआम कोई सा भी माफिया हो, वो सब माफिया एक्टिव हो गए हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे भूमि माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो या गुंडा माफिया हो, ये सब एक्टिव है। समझ लो मुगावली से बीजेपी कहने कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है और वो 15 दिन तक अभियान चलाकर लोगों को कृषि बिल के बारे में बताएं। अगर ऐसा था तो जो एनडीए का घटक था अकाली दल, वो बाहर क्यों हो गया? रजक क्यों बाहर हो गया? शिवसेना क्यों बाहर हो गई? ये सब बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि किसान विरोधी है और किसान बंधुआ मजदूर बन जाएगा अपने खेत के अंदर। फसल अदानी और अंबानी को फ़ायदा कराने के लिए इस बिल को लाए, और मैंने पहले भी कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब इसी तरह का मामला हुआ था, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर ये किसानों को खरीद रहे हैं, उनको बंधुआ मजदूर बना रहे हैं। तो वो बीजेपी बोलती है रोज कि वो 25 तो वही के वही रहेंगे। वो झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ दो में से एक चीज झूठ है, कौन सी झूठ है वो बीजेपी क्लियर करे। सर, राहुल गांधी को वीआईपी किसान बताया जा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल।
फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।